मशीन खाता है, दूसरे की जमीन है वो 50 रुपए लेता है, तीसरा मछली भरता है और वो सिस्टम चलता है। ये मैं ही समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चाल है, लोगों के जो है रोजी जुड़ी हुई है। हमने पहले भी एक जांच की थी कि बशार साहब के यहाँ के लोग जो है इनके पास ये पहाड़ों में रहने वाले कोई नहीं के बिचरे वो भी यहाँ के है, तो मैं भी एक बात करूंगा कि ये सबसे पहले तो टंगर आपने लगाए, हाँ इतने लोग थे, आपने अगर टंगर लगाने थे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लगाने थे। ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब इस पर अंदाजा ना गौर किया जाए और इस मामले को डिले किया जाए। आपको यहाँ से कुछ नहीं, लोग एक दूसरे को रास्ता नहीं गुजरने देते, तो आपको बाहियों के लिए रास्ता मिलेगा। और आप इतने बड़ी जो है कहते हैं कि सीएसआर और फलाना, जब यहाँ पर नई प्रोजेक्ट आया जहाँ पटेल आए तो पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा अगर डीसी साहब जाते हुए यहाँ थोड़ा सा ये झिंगो मांग से रुक के नजर डालेंगे स्पॉट को, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ है। क्या है वहाँ पे? कुछ भी नहीं। यहाँ से तो आप नीचे से मिट्टी भी लोगों ने छान छान के बेच दी है। जो एरिया बताया जा रहा है यहाँ जो डिमार्क किया गया है उस एरिया में तो बगैर पत्थर के और कुछ नहीं है। तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है हमारी, ये आज़ाद भारत है कन्याकुमारी से लेके तो लद्दाख तक, तो क्या यही जगह बच गई है? मैं कुछ अर्सा सांबा में मैंने सर्वे किया, सांबा के अंदर सर मैं आपको बताऊंगा मीलू मीलू तक रेत के अंबार हैं ये नड रोड पे। तो जनाब क्या अगर ये इतना ही इंडिया गवर्नमेंट को कुछ भूख पड़ गई है तो वहाँ से उनका भाई ले लो, उसको बेचो उसको। हमारे तो यहाँ जैसे जमील साहब ने बताया कि यहाँ हमारे पास आम आदमी जो है जम्मू से रेत मंगवा रहा है, तो जनाब इन लोगों का क्या करोगे आप? अगर कहीं नज़र दें तो यहाँ घोड़े वाले ना करते भी सैकड़ों लोग घोड़े का काम कर रहे हैं, तो उन बेचारों का क्या होगा? मैं तो यहाँ तक अर्ज करूँगा जनाब कि ये जो लोकल निकाल रहे हैं इनके ऊपर भी थोड़ी सारी पकड़ की जाए। ये जिन लोगों ने अपने अपने रैंप लगा के रखे हुए हैं टैक्स है जनाब, ये कौन सा तरीका है? ये सारे रैंप भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको ज़रा थोड़ा सारा चेक करे। ये इतने रैंप जगह जगह से बन गए और जनाब हमें यहाँ जो गाड़ी हमें 3000 में मिलती थी रेत बजरी की, वो आज जनाब हमें 8000 की मिल रही है। रेत तो 5000 की ट्राली मिल रही है, तो जनाब और कितना महंगा करोगे इसको इन लोगों को दे के? बाहर से कंपनियां आएंगी और जगह कितनी सारी है, मैं तो हैरान हूँ जो आपने यहाँ प्लान पेश किया। तो मैं समझ रहा हूँ पता नहीं खुदा ना खास्ता यहाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का एरिया है कोई, जिसके लिए आपने इतना सारा प्लान पेश कर दिया। ये जो जिस बंदे की जमीन है उसको भी पैसे देने और भी बर्जी निकालती है निकालनी है। इसलिए मैं फिर ये कहता हूँ कि ये जो टेंडरिंग बाहर वालों को दी जाती है इसके ये पूरी आवाम सब खिलाफ है। हम ये भी नहीं कहते कि यहाँ लोकल मिलकर जो है गुंडागर्दी की जाए, इसके रेट फिक्स किए जाए, इसको शरेआम जो है वो लगाया जाए कि किस चीज के क्या रेट है। बजरी जो है मलकी जमीन से निकाली जाती है, उसी मालिक का आप एक गाड़ी जो है आगे पकड़ लेते हैं, नहीं जी आप जब तक ये फीस नहीं भरोगे तब तक गाड़ी नहीं लेके जा सकते। भाई हम लोगों के पास कौन सा इतना दरायम नहीं इतनी बड़ी है कि हम जो है ये भी हमसे छीन कर और हम लोगों को बिल्कुल बेसहारा छोड़। आज हमने इसमें शिरकत की है और हमने ये मुकाबला किया सारे लोगों ने मिलकर हमारे ब्लॉक प्रयाग को, इसमें जो टेंडरिंग हो रही है और बाहर के आके लोग इसमें टेंडर डाल रहे हैं और हमारे लोगों से हमारे नौजवानों से ये सारा कुछ छीना जा रहा है। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि किसी हाल में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये किसी हाल में बाहर नहीं जाने देंगे। हम ये कहते हैं कि पहले तो हमारे गरीब लोग जैसे ये निकाल रहे हैं उनको निकालने दिया जाए, जो गवर्नमेंट उससे उनसे वसूल कर रही है वो कर रही है, उससे ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। लेकिन अगर आपको इसको लीगल करना ही करना है तो इसको लीगल करने के लिए ये नहीं है कि पंजाब के या दिल्ली के या हरियाणा के ठेकेदार आकर हमारे जो हमें अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक रोज़ी का जरिया है वो भी छीना जाए, बल्कि उसको हमें अल्लाह का दिया हुआ हमसे ना छीना जाए। अगर उसको आप लीगल करना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को डालें, यहाँ के लोग हमारे पास ठेकेदार बेशुमार हैं। ब्लॉक लेवल पे आप ये करें, आप ब्लॉक लेवल पे इसको दें और ब्लॉक लेवल पे ये आप कमेटी बनाएं या टेंडरिंग करें, जो भी करें ब्लॉक लेवल पे करके उसको हमारे लोगों को हमारा ही फायदा हो और हमारे यहाँ का फायदा हो। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ का जो भी माहौल है, हमारे यहाँ जो लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं और वो उसको लेकर दिल्ली चला जाए, लिहाजा हम ये कभी नहीं होने देंगे। हम इससे गुजारिश करेंगे कि इसको कभी ना होना दिया जाए और करना है तो ब्लॉक लेवल। सरपंच पंचायत ब्लॉक से हूँ,
ये जो है रेता बजरी निकालने के कुछ स्टैंडर्ड लगाए थे गोमेश ने पहले भी, इसमें दो बार पहले जो है कैंप हो चुके हैं और हमने वहाँ भी मजम्मत की थी और आज भी इसकी मजम्मत करते हैं कि अगर आपने टेंडरिंग ही करनी है तो लोकल पंचायतों को की जाए। आप यहाँ लोकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक लेवल पर करें, पंचायत लेवल पर करें, ताकि लोकल यहाँ इस नाले से लाखों लोगों की जो रोजी रोटी है उसका मसला जुड़ा हुआ है। लोग बजरी किसने घोड़ा रखा हुआ है, कोई कोंधे बैठा के बजरी निकालता है, तो यहाँ लोगों को जो है वो रोजगार का मौका दिया जाए, वरना बाहर के लोगों को हम कभी यहाँ अलो नहीं करते। हमारा किसी से जाती कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ मसला ये है कि हमारा रोजगार का मसला है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचाएं। तो हुकूमत को भी ये मेरे ख्याल में ये करना चाहिए कि इस डिस्प्यूट को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि लोकल लेवल पर टेंडर करने चाहिए ताकि लोकल लोगों को ही इसका फायदा। आज यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस वालों ने एक पब्लिक हियरिंग रखी है जिसमें लोगों की सुनवाई होगी कि जो यहाँ पे जो एरिया ब्लॉक बने हैं जो भी माइनिंग के लिहाजे से, तो उनकी क्लियरेंस के लिए पब्लिक हियरिंग है कि लोगों की राय जानी जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की यही राय है कि हमने कोई क्लियरेंस नहीं देनी है, क्योंकि इससे हमारी रोजगार जुड़ी है। हमारे यंग यूथ जितने भी हैं अनएम्प्लॉयड हैं, बच्चे पीजी करके हैं, कुछ लोग एमए बीएड करके हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत है कि आज रेत बजरी ही एक यहाँ का एक रिसोर्स है जिससे वो अपना घर का सिस्टम चला रहे हैं। अगर ये भी उनसे छीना जाएगा तो लोग बिलकतन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।